करेंगे चार गुण दो, दो चर वाले एक एक समीकरण, तो दो चर वाले एक समीकरण अपन ने कल स्टार्ट की थी चार गुण एक, वो भी संपूर्ण हो चुकी है। और आज देखो अपन उससे पहले अपन बहुपद वो भी संपूर्ण हो चुकी है। देखो जो भी आपको दिक्कत प्रश्न वाले आज चार गुण दो भी कंप्लीट होने जा रही है, जो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपन चैट करके बता सकते हैं, क्रमांक नंबर डाल के किशन के कि अपन को आपको उसका दिक्कत है, तो हम उसका वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। जब आज पढ़ेंगे चार गुण दो ग्राफीय विधि से हल करना, तो अपने चार गुण एक में भी ग्राफीय विधि से हल किया था समुच्चय को, आज हम कहें समुच्चय का हल या नहीं है। देखो पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपने, इसमें अपन क्वेश्चन नंबर पहले है, पहला है देखो अपने पास है ए, तो देखो अपने पास रहेगा एक्स एन दो दे रखा है, तो देखो एक्स बराबर कितना हो गया दो हो गया, देखो एक्स बराबर कितना हो गया दो हो गया, तो अपने पास एक्स का मान कितना आ गया दो आ गया, तो वाई का मान कितना जीरो है, तो एक्स का मान अपने पास दो आ गया तो वाई का मान कितना हो गया जीरो हो गया। देखो अपने ग्राफ इसको दर्शाते हैं, देखो ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया एक्स डैश हो गया, ये कितना वाई, क्या हो गया वाई डैश, देखो यहाँ पे प्लस का ए प्लस का दो प्लस का तीन प्लस का चार प्लस का पाँच, यहाँ पे ए दो तीन चार पाँच, माइनस का ए माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार, देखो माइनस का ए माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार, देखो एक्स पे कितना दे रहेगा दो दे रहेगा, देखो दो ये रहा, और यहाँ पे कितना वाई का कितना जीरो, तो दो जीरो यहाँ हो गया अपना बिंदु दो जीरो, देखो समांतर रहेगा केंद्र पर वाई के एक्स के समांतर रहेगा, देखो जो अपने पास ग्राफ की विधि चालू आ रही है, देखो अपने पास वाई के समांतर रेखा ये कितनी दो जीरो, क्यों अपने पास एक्स का मान कितना दो वाई का मान कितना जीरो दे रखा था अपन को, तो अपने पास जो ग्राफ की विधि आई है वो कितना है जीरो दो और जीरो आई है, इसका मतलब क्या हो गया वाई एक्स के समांतर, वाई एक्स के समांतर रेखा कितनी है दो जीरो दो और जीरो, अतः एक्स बराबर दो ए समुच्चय हल, समुच्चय हल है। देखो अपने पास एक्स बराबर दो दे रखा था, एक्स का मान अपने पास कितना दो, तो वाई का मान कितना जीरो, अगर इसको अपन ग्राफीय विधि दर्शाते हैं तो कितना दो और जीरो हो गया अपने पास दो और जीरो, जो अपने पास वाई एक्स के समांतर रेखा हो गया, वाई एक्स के समांतर हो गया अपने पास, देखो जो वाई एक्स के समांतर रेखा हो गई, तो अपन देखो ग्राफीय विधि से जो हल करते हैं तो अपने पास छायांकित भाग आता है, क्या था छायांकित भाग, तो छायांकित भाग कितना है वाई एक्स के समांतर रहेगा, इसके समांतर वाई एक्स के समांतर छायांकित भाग, तो देखो अपने पास जो एक्स के समांतर रेखा बनी एक्स बराबर दो एक क्या समुच्चय हल है। देखो अगला एग्जांपल देखो, देखो अगर देखो अपन को y बटे ले माइनस का तीन, देखो अपन को दे रखा है y का मान कितना माइनस का तीन दे रखा, y का मान कितना दे रखा y बराबर माइनस तीन दे रखा, देखो वो अपन किसे करेंगे ग्राफिक विधि से करेंगे, तो ग्राफिक विधि से पहले देखो अपने पास x का मान कितना देगा जीरो दे रखा, कितना दे रखा अपने x का मान है जीरो दे रखा, तो y का मान तीन है तो x का मान कितना दे रखा जीरो दे रखा, तो अपने पास बिंदु हो गए अपने पास जीरो और माइनस के तीन हो गए, देखो वह अपने ग्राफ में दर्शाएंगे इसको, देखो वो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार, क्योंकि माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन, देखो बिंदु अपने पास जीरो माइनस का तीन है, जीरो माइनस का तीन है, देखो जीरो वाई पे कितना जीरो है कितना एक्स पे कितना तीन माइनस के तीन, तो ये अपने पास हो गया, देखो अपने पास रेखा हो गई किससे समांतर रेखा हो गया अपने पास एक्स समांतर हो गया, किससे समांतर हो गया ये रेखा एक्स के समांतर हो गया, देखो किससे समांतर हो गया रेखा एक्स के समांतर हो गया, तो छायांकित भाग है, देखो ये वाला छायांकित भाग है, इस वाले दोनों बिंदुओं के मध्य एक्स को अपनी जो रेखा खींची जीरो तीन जीरो माइनस तीन के मध्य छायांकित भाग हो गया समुच्चय।
क्या एक समुच्चय है? देखो अतः बाय बराबर तीन माइनस का तीन, तो कितना माइनस का तीन हो, जीरो माइनस का तीन हमने बात देखो एक्स एक्स के समांतर, समांतर किसके समांतर, एक्स एक्स के समांतर, अतः छायांक के भाग ए समुच्चय है, समुच्चय है अपन को देखा अतः वाई बराबर माइनस का तीन जाएगा, जीरो को माइनस का तीन जाएगा, तो किसके समांतर हो अपने पास एक्स एक्स के समांतर हो गए, किसके समांतर हो गए अपने एक्स एक्स के समांतर हो गए, अतः छायांकित भाग का क्या समुच्चय है, तो छायांकित भाग वाला ये वाला जो अपने दर्शाया था इसमें ग्राफिक विधि में ग्राफिक विधि दर्शाया अपन ने, तो देखो अपने पास कितना था वाई का मान माइनस का तीन दे रखा था, एक्स का मान कितना जीरो दे रखा, तो जीरो और तीन हो गया, तो देखो जो छायांकित भाग हो गए समुच्चय हल है। देखो अगला देखो एक्स माइनस का दो वाई लेस देन जीरो, देखो तो अपने पास हो गए एक्स माइनस का टू वाई बराबर जीरो, देखो एक्स माइनस का टू वाई बराबर जीरो, देखो अपन क्या रहेगा इसके अपने पास क्या हो गया एक्स माइनस का टू वाई बराबर जीरो है, अपन एक्स का मान क्या रहते हैं जीरो रखते, देखो अपने पास एक्स बराबर जीरो रखने के जीरो रखने, अगर एक्स का मान अपन इस समीकरण एक में एक्स का मान जीरो रखेंगे तो अपने पास हो गया जीरो माइनस का टू वाई बराबर जीरो, तो माइनस का टू वाई बराबर कितना जीरो, तो वाई बराबर कितना हो गया जीरो बटे माइनस का, तो वाई का मान क्या आ गया जीरो, अगर अपन एक्स का मान कितना लेते हैं जीरो, तो वाई का मान कितना आता अपने पास जीरो जीरो, देखो अगर ला लेते अपन एक्स बराबर ए रखने पर ए रखने पर, देखो अपन एक्स का मान कितना लेते हैं ए रखते हैं, एक माइनस का टू वाई बराबर जीरो, टू वाई बराबर जीरो, एक का मान कितना है अपन एक रखा तो वाई का मान कितना टू वाई बराबर जीरो, देखो प्रसाधन करेंगे इसको तो वन बराबर टू वाई, तो वाई बराबर कितना आ गया एक बटा दो, अपन ने जब एक का मान एक रखा तो वाई का मान कितना एक बटा दो आ गया, देखो वही ग्राफिक की सर्च करेंगे इसको, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छः, माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन और माइनस का चार, ये माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन और माइनस का चार, देखो अपने को दे रखा है एक दो तीन चार दे रखा है कि धनात्मक एक कौन सा धनात्मक ऋणात्मक, ये दोनों ऋणात्मक एक है धनात्मक चतुर्थांश दे रखे, देखो अपने जब ने अपने इसका मान जीरो रखा तो दोनों मान क्या है जीरो जीरो, इसका मतलब दोनों मान जीरो जीरो, यहाँ इसके आगे बात करते हैं जब अपन ने एक्स का मान कितना रखा एक रखा तो वाई का मान कितना आ गया वाई एक बटे दो, देखो जब अपन अपने एक्स का मान कितना रखा एक रखा यहाँ एक, इसका मान कितना एक बटा दो आ गया एक बटा दो, यहाँ पर आ जाओ एक बटा दो, इसको दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे देखो दोनों बिंदुओं को मिलाया आपने ये रेखा तो ये सीधी रेखा कौन करेगी, ये सीधी रेखा कौन करेगी, कौन सी रेखा है एक्स माइनस का टू वाई बराबर जीरो, देखो अपने पास रहेगा समीकरण एक्स माइनस का टू वाई बराबर जीरो दे देता था, अगर अपने एक्स का मान क्या रखा जीरो रखा तो वाई का मान अपने पास कितना है जीरो है, कि दोनों मूल बिंदु अपने पास कह रहे जीरो जीरो आ गए, अगर अपने एक्स का मान कितना रखते ए रखने पर रखा था अपने एक्स का मान ए रखने तो वाई का मान कितना था अपने पास एक बटा दो आता, देखो ये वाला छायांकित भाग, देखो ये वाला छायांकित भाग अतः एक और एक बटा दो, अतः एक और एक बटा दो किसे समान छायांकित भाग छायांकित भाग
का एक समुच्चय हल है। अपने पास जो समीकरण दे रखा था वो कहता है एक्स माइनस टू है ना, जीरो दे रखा था अपने, क्या रखा है एक्स बराबर जीरो रखने में, जब एक्स का मान जीरो रखते तो वाई का मान भी कितना आता है, जीरो आता है। दोनों मेल बिंदु अपने पास दोनों मूल बिंदु क्या हो गए, जीरो जीरो हो गए थे। अगर आपने एक्स बराबर एक रख दिया अगले पद में कितना आता है वाई का मान कितना आता है एक्स का, तो अपने चाय के भाग बताते हैं, तो चाय के भाग बार देखो, तो चाय के भाग का क्या है, चाय के भाग का क्या समुच्चय हल है। अगला देखो जो क्वेश्चन नंबर दो दे, अपने पास क्वेश्चन नंबर दो दे रखा है, आलेखीय कलम को आलेखीय विधि से करना दो। देखो अपन को दे रखा है पहले इसका क्वेश्चन, मोड ऑफ एक्स प्लस तीन दे रखा है, माइनस का तीन दे रखा है, इसको हल करेंगे अपन। देखो अपने पास होता है माइनस का तीन प्लस देन एक्स प्लस देन तीन होगी। देखो मोड बनाने के लिए अपने पास एक बराबर कितना हो, एक माइनस का तीन हो गया, एक क्या हो गया एक बराबर तीन हो गया। देखो अपने पास दो मान आ गए, एक एक बराबर माइनस का तीन हो गया, एक बराबर कितना हो गया तीन हो गया। अगले अपन बात करते हैं आगे, देखो तो आगे बात करते हैं अपन, देखो अपने पास एक का मान कितना तीन दे रखा, तो एक का मान तीन अपने पास बिंदु हो गई माइनस का तीन और जीरो हो गया, एक कितना तीन और जीरो हो गया। इसमें ग्राफ में डिसाइड करेंगे, ग्राफ में दर्शाते हैं इसको, देखो इसे ग्राफ दर्शाएंगे। ये कितना आपके पास एक दो तीन चार पाँच और छः, तो ये कितना हो गया माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार माइनस का पाँच, ये एक दो तीन चार पाँच और छः हो गया, ये कितना माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन और माइनस का चार हो गया। देखो अपन को बिंदु दे रखा माइनस का तीन और जीरो दे रखा, तो माइनस का तीन और जीरो तीन और जीरो हो गया। देखो और एक कितना देगा तीन और जीरो देगा एक ही दे रखा, तो अपने पास दो बिंदु हो गए। देखो ये सीधी रेखा कम करेंगे जो तीन और जीरो, तो ये हो गया अपने पास। देखो और इधर कितना देखो छाया की भाग अपने पास, ये वाला छाया की भाग तो ये वाला छाया की भाग, ये क्या अपने पास देखो, अतः बिंदु माइनस का तीन और जीरो और तीन और जीरो एक छाया की भाग, तो किसके समांतर है एक के समांतर दोनों, ये भी एक के समांतर है, किसके एक के समांतर है, अतः एक छाया की भाग का समुच्चय है। अपने पास देखो मोड ऑफ एक्स प्लस देन तीन रखा था तुमको, तो अपने पास एक का मान कितना है माइनस का तीन आ गया जीरो आ गया, एक कितना तीन और जीरो आ गया। देखो अपने ग्राफ में जैसे दर्शाते हैं अपने पास देखो माइनस का तीन और जीरो गया और तीन जीरो गया, देखो मूल बिंदु अपने दे रखा एक का मान कितना माइनस का तीन और वाई का मान कितना जीरो दे रखा, तो माइनस का तीन तो ये रहा और जीरो अपने पास वाई का भी यही दे रहेगा। अगला दे रखा अपन को एक्स का मान तीन दे रहा वाई का मान कितना जीरो, इसको अपने ग्राफ में दर्शाते हैं, तो छाया के भाग देखो अपने दोनों बिंदु लेते हैं माइनस का तीन और जीरो और तीन जीरो, तो एक छाया के भाग एक समुच्चय है। देखो क्वेश्चन नंबर दो देखो, देखो इसमें दो का दूसरा क्वेश्चन देखो, अपने देखा थ्री है माइनस का टू वाई लेन देन एक्स प्लस का वाई माइनस का आर है। देखो अपने पास समीकरण बन गई थ्री एक्स माइनस का टू वाई बराबर एक्स वाई माइनस का आर हो गया, तो पसाने करेंगे इसको तो थ्री एक्स माइनस का टू वाई माइनस का एक्स माइनस का वाई बराबर माइनस का आर हो गया। देखो
अपने पास देखो तो कितना माइनस का एक्स और कितना थ्री एक्स, कितना टू एक्स माइनस का थ्री वाई बराबर माइनस का आठ हो गया। देखो अगर अपन एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो रख लीजिए, जीरो रख लें, पर देखो अगर अपन समीकरण में एक्स का मान क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं, तो अपने पास हो गया देखो दो जीरो, थ्री वाई बराबर माइनस का आठ हो गया, माइनस का थ्री वाई बराबर माइनस के आठ, तो माइनस वाई बराबर माइनस के आठ के माइनस के तीन कैंसिल हो गया, वाई का मान कितना आठ बटे तीन आ गया, वाई का मान कितना आठ बटे तीन आ गया। देखो अगले बात करते हैं, वाई बराबर जीरो रखते हैं, वाई बराबर जीरो रख लेंगे, जीरो रखने देखो अपने वाई बराबर जीरो रखते हैं, देखो टू एच माइनस का थ्री जीरो बराबर आठ माइनस का आठ, तो टू एच बराबर माइनस का आठ हो गया, अपने पास हो गया टू एक्स बराबर माइनस का आठ, एक्स बराबर हो गया माइनस का आठ बटे दो, तो कितना हो गया एक्स बराबर माइनस का चार। देखो जब अपने एक्स का मान जीरो रखा तो वाई का मान कितना आठ तीन आया, जब अपने वाई का मान जीरो रखा तो एक्स का मान कितना माइनस का चार आया, इसको जब ग्राफ में दर्शाते हैं देखो एक दो तीन चार पाँच, एक माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार, आगे देखो ये एक दो तीन चार पाँच माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन माइनस का चार। देख अपने पास जब अपने बिंदु रहे, अपने पास दो बिंदु आए, एक बिंदु तो आया अपने पास जब एक्स का मान जीरो रखा तो वाई का मान कितना आठ के तीन आया, अब और अपने वाई का मान कितना रखा जीरो रखा तो कितना एक्स का मान माइनस का चार जीरो आया, अपने पास दो बिंदु है देखो जीरो आठ जीरो है, वाई का मान कितना आठ तीन, आठ तीन यहाँ पे आठ तीन यहाँ पे आगे देखा माइनस का चार जीरो देखा माइनस का चार जीरो यहाँ पे माइनस का चार जीरो यहाँ पे, इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे अपन गमन करेंगे, तो अपने पास समीकरण ए थ्री टू एक्स माइनस का थ्री वाई बराबर माइनस का आठ अपने पास ये रहेगा, तो ये क्या हो गया बिंदु, अतः बिंदु जीरो आठ बटे तीन और माइनस का चार जीरो एक छायांकित भाग का समूचे है। देखो अपने को दो बिंदु दे रखा, अपने देखा था लेकिन थ्री एक्स माइनस का टू वाई लेस देन एक्स प्लस का वाई माइनस का आठ दे रखा था अपन को, तो अपने इसको जब सोल्व किया अपने पास थ्री एक्स माइनस का टू वाई बराबर एक्स प्लस का आठ, एक्स प्लस का वाई माइनस आठ, तो पहचान कर लिया अपने पास फर्स्ट का बन गया, अपने पास देखा बन गया टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर माइनस आठ, जब अपन ने एक्स का मान जीरो रखा तो वाई का मान कितना आठ तीन आया, तो वाई का मान जब जीरो रखा तो एक्स का मान कितना है माइनस का चार आया, दोनों बिंदु लेते हैं और ग्राफ में दर्शाते हैं छायांकित वाला ये भाग है, छायांकित वाला भाग क्या है समुच्चय हल है, अतः बिंदु जीरो आठ तीन माइनस का चार जीरो छायांकित भाग का क्या है समुच्चय हल है।